they want in this match, this return match. ऑल राइट गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेफनी मैकमैन के बारे में, स्टेफनी मैकमैन के करियर के 5 बेस्ट मैचेस के बारे में जब उन्होंने मैन रेसलर्स के साथ रेसलिंग की, मैन रेसलर्स के अगेंस्ट रेसलिंग की। तो ऑब्वियसली वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, बस आप इससे एंड तक देखना। देर किस बात की, शुरू करते हैं। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. एंड फाइनली मैच होता है और यहाँ पे विंस मैकमैन एंड सेविल रिंग में होती हैं। सेविल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती हैं स्टेफनी मैकमैन को। स्टेफनी मैकमैन यहाँ पे आती हैं और वो सेविल के ऊपर अटैक कर देती हैं एंड यहाँ पे एट्रेन की एंट्रेंस होती है। एट्रेन भी आ जाते हैं एंड फाइनली मैच वाला माहौल बन जाता है। यहाँ पे स्टेफनी मैकमैन विंस मैकमैन की राइवलरी चल रही थी तो मैं आइडिया होगा इसके बारे में। एंड यहाँ पे मैच होता है एट्रेन वर्सेस स्टेफनी मैकमैन का, जो कि शुरुआत में तो ऑब्वियसली एट्रेन यहाँ पे थोड़ा पीटते हैं। एंड जब स्टेफनी कु
जुलाई 2003 स्मैकडाउन, यहाँ पे बिग शो वर्सेस स्टेफनी मैकमैन एंड जैक ग्वेन का हैंडीकैप मैच था। नहीं, मैं यहाँ पे हैंडीकैप मैच इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि स्टेफनी मैकमैन के साथ जैक ग्वेन थे, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका मैच बिग शो के साथ में था और बिग शो दो या तीन आदमी से कम तो है नहीं, तुम्हें पता ही है, तुम देख ही रहे उनको। एंड यहाँ पे मैच स्टार्ट होता है उससे पहले ही हमारे विंस मैकमैन एंड सैबल जो होते हैं वो यहाँ पे अनाउंसर्स टेबल पे पहले से ज्वाइन करके रखे हुए होते हैं। मैच स्टार्ट होता है और बिग शो जैक ग्वेन को उठा उठा कर पटकना शुरू करते हैं, इधर से उधर फेंकना शुरू करते हैं एंड वो स्टेफनी मैकमैन को भी थोड़ा बड़ा टारगेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जैक ग्वेन की हालत काफ़ी बुरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा फिट जाते हैं। एंड जब नंबर यहाँ पे आता है स्टेफनी मैकमैन का, विंस मैकमैन अंदर आते हैं जो कि लो ब्लो खा जाते हैं स्टेफनी मैकमैन से। एंड इसके बाद विंस मैकमैन गुस्से में आ जाते हैं और बिग शो भी गुस्से में आ जाते हैं। बिग शो यहाँ पे चोक स्लैम लगाने वाले होते हैं स्टेफनी मैकमैन को, लेकिन यहाँ पे आ जाते हैं कॉट एंगल सेव करने के लिए एंड कॉट एंगल आके थोड़ा अच्छे से पीट वेट देते हैं बिग शो को, अपना वो एंगल स्लैम लगा देते हैं एंड यहाँ पे वो अपना लॉक भी लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे विंस मैकमैन चेयर से अटैक कर देते हैं कॉट एंगल के ऊपर जिससे कॉट एंगल की भी हालत बुरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ब्रॉक लेसनर आते हैं जो कि कॉट एंगल के उस टाइम फ्रेंड थे और वो आके संभाल लेते हैं सारी चीजों को। इसके बाद कॉट एंगल एंड ब्रॉक लेसनर मिलके दोनों ही पीट देते हैं विंस मैकमैन एंड बिग शो को। इसके बाद मैच भी जीत जाती है यहाँ पे स्टेफनी मैकमैन की टीम और कुछ इस तरीके से ये मोमेंट एंड होता है। September 2001 मंडे नाइट रॉ, यहाँ पे स्टेफनी मैकमैन एंड टेस्ट वर्सेस द रॉक का मैच था जो कि काफी अच्छा मैच था। वैसे तो पूरे मैच में यहाँ पे टेस्ट एंड रॉक ही फाइट करते हैं, काफी अच्छी फाइट होती है इनकी, लेकिन मैच के एक मोमेंट पे जब रॉक बॉटम लगा देते हैं टेस्ट को और वो पिन करते हैं, लेकिन रेफरी काउंट नहीं करता क्योंकि स्टेफनी मैकमैन उसे काउंट करने नहीं देती एंड रॉक को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है और रॉक यहाँ पे रॉक बॉटम लगा देते हैं रेफरी को भी। इसके बाद टेस्ट भी नीचे गिरे हुए होते हैं और रेफरी भी गिरा हुआ होता है, सिर्फ स्टैंड टूल यहाँ पे स्टेफनी मैकमैन एंड रॉक का होता है। एंड फाइनली रॉक स्टेफनी मैकमैन को रिंग के अंदर थ्रो कर देते हैं एंड यहाँ पे वो थोड़ा पीटते हैं, लेकिन स्टेफनी मैकमैन को बचाने शेन मैकमैन आ जाते हैं, लेकिन शेन मैकमैन भी पीट जाते हैं। इसके बाद ब्रूकर टी आ जाते हैं, मतलब कुल मिला के रॉक को घेर लिया जाता है और रॉक की पिटाई काफी अच्छे से कर दी जाती है। यहाँ पे ब्रूकर टी, स्टेफनी मैकमैन एंड शेन मैकमैन सभी मिलकर पीटने लग जाते हैं रॉक को एंड लास्ट में पूरा एकदम खत्म कर देते हैं रॉक को और स्टेफनी मैकमैन की टीम ये मैच को जीत जाती है। November 2003 स्मैकडाउन, यहाँ पे ब्रॉक लेसनर वर्सेस स्टेफनी मैकमैन का मैच था। ये बैकस्टेज पहले से ही सेटल हो जाता है, ब्रॉक लेसनर यहाँ पे स्टेफनी मैकमैन से फाइट की मांग करते हैं, यहाँ पे विंस मैकमैन अप्रूवल भी दे देते हैं क्योंकि विंस मैकमैन को अच्छी रेटिंग चाहिए होती है। वो कहते हैं कि स्टेफनी मैकमैन का मैच अगर ब्रॉक लेसनर से होगा तो काफी फायदा होगा उनको। एंड यहाँ पे रियली हमें मैच देखने को मिलता है स्टेफनी मैकमैन एंड ब्रॉक लेसनर का,
जो कि एक अच्छा खासा ब्रूटल मैच था। मैच के स्टार्टिंग में वैसे विंस मैकमैन को लो ब्लो पड़ता है, ब्रॉक लेसनर को लो ब्लो पड़ता है, लेकिन इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है ब्रॉक लेसनर को। वो यहाँ पे पीटने लग जाते हैं स्टेफनी मैकमैन को, और इसके बाद स्टेफनी मैकमैन समझ जाती है कि वो फाइट नहीं कर सकती, तो वो भाग जाती है। लेकिन ब्रॉक लेसनर पीछे पीछे चले जाते हैं उनके और उनको पकड़ कर लेकर आते हैं। लेकिन ब्रॉक लेसनर कुछ करते हैं इससे पहले यहाँ पे कर्ट एंगल आ जाते हैं, जो कि स्टेफनी मैकमैन को सेव कर जाते हैं और वो ब्रॉक लेसनर को भी पीट के यहाँ से भगा देते हैं, और विंस मैकमैन तो वैसे ही भाग जाते हैं। एंड कुछ इस तरीके से ये मोमेंट एंड होता है। नो मर्सी 2003 यहाँ पे स्टेफनी मैकमैन वर्सेस विंस मैकमैन का मैच होता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, यहाँ पे स्टेफनी मैकमैन वर्सेस विंस मैकमैन का मैच होता है डॉटर एंड फादर के बीच। इनफैक्ट मैंने जितने भी तुमको अभी मैचेस के बारे में बताए वो सभी इनके राइवलरी के पार्ट थे, अलग अलग सुपरस्टार से जो स्टेफनी मैकमैन का मैच हुआ था। एंड एंड ऑफ द एंड यहाँ पे स्टेफनी मैकमैन वर्सेस विंस मैकमैन का मैच होता है। ये एक आई क्विट मैच होता है, दोनों ही सुपरस्टार आते हैं, विंस मैकमैन आते हैं, स्टेफनी मैकमैन आते हैं, लिंडा मैकमैन होती है यहाँ पे, एंड सेविल होती है विंस मैकमैन के साइड में। मैच स्टार्ट होता है और शुरुआत से ही हमारे विंस मैकमैन डोमिनेट करते हैं अपनी डॉटर के ऊपर, स्टेफनी मैकमैन के ऊपर। एंड मैच के एक मोमेंट में जब स्टेफनी मैकमैन लो ब्लो लगा देती है विंस मैकमैन को, तब यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल आता है स्टेफनी मैकमैन के हाथ में। लेकिन विंस मैकमैन काफी गुस्से में, वो पूरा यहाँ पे अपना हील वाला बेस्ट कैरेक्टर दे रहे थे, वो यहाँ पे अपने डॉटर के ऊपर काफी डोमिनेट करते हैं। लास्ट मोमेंट पे एक रॉड से वो दबा देते हैं गला स्टेफनी मैकमैन का, जिससे स्टेफनी मैकमैन बेहोश हो जाते हैं, और कुछ इस तरीके से ये मैच एंड होता है। एंड स्टेफनी मैकमैन मैच को हार जाते हैं। एंड इसके बाद विंस मैकमैन का पेट नहीं भरता, वो आते हैं और अपनी वाइफ लिंडा मैकमैन के ऊपर भी अटैक करते हैं। तो यही थे टॉप 5 डब्ल्यू हिस्ट्री के स्टेफनी मैकमैन वर्सेस मैन रसल्स के बीच मैचेस। इनफैक्ट इनमें से तुम्हारा फेवरेट कौन सा था तो मुझे चैट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो उसे लाइक जरूर कर देना, और यूट्यूब पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।